नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने आपसे आपकी YouTube चैनल अगर हैक हो जाए तो आप उसे किस तरह से रिकवर कर सकते हो उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आप किस तरह से अपनी चैनल को हैक होने से रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है ये हमारे उसी वीडियो का दूसरा भाग है। इसमें हम ये बताने वाले हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपका चैनल या आपका जो ईमेल आईडी है वो कोई हैक ना कर सके या उसको हैक करना बहुत ही यानी कि बहुत 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 मुश्किल हो जाए तो आप क्या कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी का सोल्यूशन लेके आए हैं और उस सोल्यूशन का नाम है गूगल का एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये गूगल के द्वारा ही लॉन्च किया गया ऐसा प्रोग्राम है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी है, तो उसी के लिए आज का वीडियो मैंने स्पेशली बनाया हुआ है। और इस वीडियो का फ़ायदा आपको ये होगा कि इसके द्वारा आप ये जान सकते हो कि जो नौबत मेरे पे आई और जो टेंशन का सामना मुझे दो या तीन दिन तक करना पड़ा, आप उसे किस तरह से परमानेंटली अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मेरे ईमेल आईडी पे मैंने सारे प्रोटेक्शंस ऑन रखे हुए थे, उसके बावजूद भी हैकर ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें थी वो सर्वर बेस्ड थी। अब आज का जो सोल्यूशन है ये कुछ ऐसा है कि जो एक फिज़िकल है जिसके लिए उसे कोई फिज़िकल डिवाइस जो है वो अपने सिस्टम में डालना पड़ेगा, उसी के बाद ही वो मेरे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसका सोल्यूशन जो है वो है ये यूबीकी। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक पेंड्राइव के जैसा दिखने वाला डिवाइस है और इसे फिडो 2 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। फिडो 2 एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो आपके मतलब कोई भी अकाउंट को फुल्ली सिक्योर कर देता है और इसके द्वारा आप अपने कोई भी ईमेल आईडी को, मतलब गूगल का हो या मतलब माइक्रोसॉफ्ट का हो या ड्रॉपबॉक्स का हो या फेसबुक का हो, हर एक को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये एक चीज़ से आप मल्टीपल अकाउंट्स को भी मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको अपने हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग की लेनी पड़ेगी। तो ये जो की है ये बहुत ही मतलब वर्सेटाइल प्रोडक्ट है और आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको ये अगर की को इस्तेमाल करना है तो किस तरह से करना है। तो चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ होम पेज है गूगल के एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने सारी जानकारी दी है कि आप किस तरह से अपने अकाउंट को फिशिंग से या हार्मफुल डाउनलोड से या अलग अलग थ्रेड से आप इसे बचा सकते हो। तो आप चाहो तो इसे स्क्रॉल कर सकते हो, वरना आपको ऊपर राइट हैंड साइड में जो गेट स्टार्टेड का बटन दिख रहा है उसे भी क्लिक कर सकते हो और या नीचे की तरफ भी आपको ये बटन देखने मिल जाएगा। तो चलिए उस पर क्लिक कर लेते हैं एक बार। और क्लिक करते ही दोस्तों अभी हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो गए और यहाँ पर भी आपका अकाउंट है और नीचे आपका गेट स्टार्टेड का बटन है और जैसे आप उसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से यूबीको का जो की है ये सबसे सिक्योर की होता है और आप यहाँ पर रजिस्टर सिक्योरिटी कीज़ पे क्लिक करना है आपको। और जैसे आप क्लिक करते हो तो दोस्तों आपको फिर से एक बार अपना पासवर्ड यहाँ पर एंट्री करना होता है कन्फर्मेशन के लिए कि आप ही जो इसके ओनर हो जो आप इसे चेंज करने जा रहे हो। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी कीज़ को एनरोल करने के लिए। तो यहाँ पे दो कीज़ होती है, एक मेन की होती है जिस पे आप क्लिक करोगे, वो भी आपको की यूएसबी में डालनी नहीं है। आप जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे फिर आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि की पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको वहाँ पे टच करना होता है, हर एक प्रॉम्प्ट आएंगे आपको उसको फॉलो करना है और वहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट की को नाम देना होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसे ये 30 की मेरी की है तो मैं इसे 30 का ही नाम दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरी ये फ़र्स्ट की है। और साथ ही साथ इसको मैं जैसे कि ये फिडो सर्टिफाइड है तो इसको 30 फिडो 1 नाम दे देता हूँ और उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अभी आपको दूसरी की रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी की एंटर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर पहली की खो जाती है तो दूसरी की से आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे ऐड की कर देते हैं और सेम वही स्टेप है, आपको पुरानी की निकाल लेनी है और जब यहाँ पे आपको बताएंगे तभी आपको ये की को इंसर्ट करना है और इंसर्ट करके आपको टच का ऑप्शन आएगा तो आप अपनी की पे टच कीजिए और अभी इसे भी ये रजिस्टर कर लेगा और इसे भी आपको नाम देना है। तो ये जो की है मेरी ये यूबीको की है तो इसे मैं यूबीको और ये NFC भी एनेबल है, हालांकि दोनों NFC एनेबल है लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है तो मैं इसे NFC 1 या 2 नाम दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये दूसरे नंबर की है और डन करना है। अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दोनों टिक मार्क आ गए, हमारी दोनों की रजिस्टर हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और ये अभी आ गया यहाँ का लास्ट स्टेज जिसमें ये बता रहा है कि अगर आप जो ये रजिस्टर करते हो तो आप अपने सारे जो भी डिवाइस है उसमें से लॉग आउट हो जाओगे। तो
तो उसके लिए आपको यहाँ पे एनरोल पे एक बार क्लिक करना होता है। एक बार सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा दोस्तों आप, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और यहाँ पे ये फिर से बता रहा है कि आप सब अकाउंट से साइन आउट हो जाओगे। तो ठीक है, साइन आउट करने के बाद मुझे फिर से साइन इन करना पड़ेगा एक ही के हेल्प से। तो दोस्तों आ गया है यहाँ पे पॉपअप की यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड। अब साइन बैक करना है फिर से एक बार, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से एक बार अपना पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया था कि सब पे साइन आउट हो जाएंगे। आपको ये हर बार नहीं करना होता है, सिर्फ एक ही बार आप साइन आउट साइन इन करना है। और स्टेप टू वेरिफिकेशन भी हो गया है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप यहाँ के लैंडिंग पेज पे आ जाते हो, जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आप ऑफिशियली गूगल के एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हो। यहाँ पे आपको ब्लू टिक देखने मिल जाएगी। और अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी कीज़ में आपको दो कीज़ दिखाई देगी, जो अभी अभी हमने एनरोल किए वहाँ पे दोनों के नाम आ जाएंगे। और यहीं से आप इसको ऐड और रिमूव भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों भी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉपअप मिलेगा, उसे टैप करते ही ये गूगल का जो अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको इसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई अभी जो हम करने वाले NFC से करेंगे, तो NFC पहले एनेबल कर लेते हैं। और एनेबल करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको फिर से यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है दोस्तों। तो जैसे आप पासवर्ड एंटर करेंगे, आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको उसी के साथ में तीन ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको ब्लूटूथ, NFC और USB मिल जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल NFC एनेबल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको स्टेप टू वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए आपको जो NFC है वो फ़ोन के पीछे टैप करना होता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अभी वेरीफाई होने के बाद में हमें हमारा दूसरा की रजिस्टर करना है, उसके लिए बैक करेंगे। और बैक पे क्लिक करते मोर ऑप्शन पे देखो आपको और कीज़ के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो दूसरा USB की है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऊपर जाके OTG ऑन करूँगा। और OTG ऑन करते ही मैं अपना जो की है वो अपने USB ड्राइव में इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट करते ही यहाँ पे मेरा जो बटन ये ब्लिंक होगा, उसे मुझे प्रेस करना है। और प्रेस करते ही मेरा जो ये दूसरा की है वो भी रजिस्टर हो चुका है दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितना आसान था इस की को अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करना, और अपने ईमेल आईडी को ऑथेंटिकेट करना। और सिर्फ आपका जीमेल ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे अपने फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के सारे आईडीज को, यहाँ तक कि अपने जी ड्राइव और वन ड्राइव को भी आप इससे सिक्योर कर सकते हो। और ये एक ही की आपके सारे अकाउंट्स के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये अनलिमिटेड जो इसमें आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। तो जो दोनों कीज मैंने आपको दिखा दी है, एक तो ये सबसे फेमस जो है यूबिको की है, और ये दूसरी जो है ये थेटिस की है, ये भी काफ़ी अच्छी की है। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से ये की आती है। बिल्कुल इस तरह से आती है। ये पेंड्राइव की जैसी की है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइप ए मिल जाता है, यहाँ पे आपको टाइप सी मिल जाता है, और यहाँ पे बीच में बटन है, जिसको प्रेस करके आप अपनी ऑथेंटिकेशन अप्रूव कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो पूरा पैकेज है ये काफ़ी अच्छा है, और दो की आपको लेनी काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको फिर से ये बात बताता हूँ, पहले मैंने आपको बताई है, क्योंकि दोनों की के बिना क्या हो जाएगा कि यदि आपका एक की अगर मिसप्लेस हो जाएगा तो फिर आप खुद भी अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो बैकअप की होना बहुत ही ज़रूरी है। जब बैकअप की आपके पास होगी और गलती से पहली की डैमेज हो गई, खो गई, कुछ भी हो गई, तो आप बैकअप की से पहले वाली की को रिमूव कर सकते हो और फिर नई की मंगा के आप उसे एनरोल कर सकते हो। तो ये काफ़ी एडेड मतलब प्रोटेक्शन हो जाता है आपके कोई भी अकाउंट के लिए। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। तो आपने जो अपना समय दिया है, अब तक मेरी वीडियो को देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात कि अगर आप भी इस की को परचेज़ करना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैंने जो की जहाँ से परचेज़ की है, मैंने उनका डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी उस की को परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको मार्केट से काफ़ी कम रेट में ये की मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल जो आज का वीडियो था ये उसी पर था कि आप अपने अकाउंट को किस तरह से हैक होने से बचा सके। और मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है इससे फ़ायदा हुआ होगा। और यदि आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी भरे और घूमने फिरने वाले मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर दोस्तों। धन्यवाद।